फोन करके बैंक फ्रॉड करने वालों ने अब एक ऐसा नया तरीका निकाल लिया है जिससे अब देश का कोई भी शख्स, आम हो या खास, वीआईपी हो या वीवीआईपी, अब देश में किसी का भी बैंक अकाउंट सेफ नहीं है। फोन करके फ्रॉड करने वालों का गढ़ माना जाने वाला जामतारा अब पूरे देश को अपने डिजिटल फ्रॉड की आंधी में उड़ा देने को तैयार है। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए कि आखिर जामताड़ा में इन्होंने कौन सा ऐसा नया तरीका निकाल दिया है जिससे अब देश का कोई भी बैंक अकाउंट सुरक्षित नहीं है, ताकि आप अपने और अपने परिवार की मेहनत से कमाई हुई कमाई को सुरक्षित रख सके, क्योंकि क्या पता जामताड़ा गैंग का अगला टारगेट आप। ऑनलाइन बैंक फ्रॉड या फिशिंग अटैक की जब भी कोई घटना होती है तो उसका सबसे पहला तार जामताड़ा से जुड़ा होता है। रांची झारखंड से 250 किलोमीटर दूर एक जिला है जिसका नाम है जामताड़ा, और इस जिले में लंबे समय से ऑनलाइन फ्रॉडियों का एक गैंग चल रहा है जिसे कहा जाता है जामताड़ा गैंग। ये जिला इतना फेमस है कि इस पर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है नेटफ्लिक्स पर, जो आप देख सकते हैं। आखिर क्यों है ये जिला इतना फेमस? क्योंकि ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड और फिशिंग जैसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है, या यूं कहें कि जामताड़ा ऑनलाइन चोरों की बस्ती है। आप जानते ही होंगे कि पिछले कई सालों से ऑनलाइन बैंक फ्रॉड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, और इन सभी बैंक फ्रॉड्स के तार जामताड़ा से कहीं ना कहीं जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। ये लोगों को फोन करके डराते थे कि उनका बैंक अकाउंट या एटीएम कार्ड बंद होने वाला है, और डर के मारे भोले भाले लोग इन्हें अपना एटीएम नंबर और सारी जानकारियां बता दिया करते थे, और चुटकियों में ये ऑनलाइन डकैत लोगों का बैंक अकाउंट साफ कर दिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये घटनाएं बढ़ी, लोगों को इस फ्रॉड के बारे में पता चलने लगा, और अब उनका ये तरीका पुराना हो गया। लोग इस फ्रॉड के प्रति जागरूक हो गए, लेकिन अब इन जामताड़ा के चोरों ने नया तरीका खोज निकाला है जिसका नाम है ई सिम फिशिंग। और ये जामताड़ा के चोरों का एक ऐसा नया तरीका है जिससे ये आपके बैंक अकाउंट को पूरी तरीके से खाली कर सकते हैं। इस फ्रॉड को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर ये ई सिम है क्या भला। दोस्तों, एक सिम होती है जिसे मोबाइल दुकान से खरीद कर अपने मोबाइल में लगाते हैं, इसे रियल सिम कहा जाता है। और एक दूसरे किस्म का सिम होता है जिसे ई सिम कहा जाता है, जो एक चिप की तरह होता है और ये फोन में पहले से ही इन बिल्ट होता है, लगा हुआ आता है। ये सिम पूरी तरीके से री राइटेबल होता है, जिसका सीधा मतलब ये है कि आप एक फोन कॉल करके ही अपने ऑपरेटर को बदल सकते हैं। जैसे कि अगर आप जियो इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आपको एयरटेल की सर्विसेज चाहिए, तो आप फोन कॉल के जरिए या एक ईमेल भेजकर अपने ऑपरेटर को तत्काल बदल सकते हैं। देखा जाए तो आज के समय में ज्यादातर मोबाइल्स स्मार्ट वॉचेस ई सिम से लैस हैं, और अब आप समझ ही गए होंगे कि ई सिम नॉर्मल सिम से किस तरह अलग होता है। आइए अब जानते हैं कि ये ऑनलाइन डकैत किस तरीके से ई सिम के जरिए लोगों को चूना लगा रहे हैं। दोस्तों, इन साइबर क्रिमिनल्स का सबसे पहला टारगेट यही होता है कि वो किसी तरह से आपके मोबाइल नंबर को अपने पास ट्रांसफर कर ले, यानी कि सबसे पहले ये लोग आपका मोबाइल नंबर चुराते हैं। और इस काम को अंजाम देने के लिए इनका सबसे पहला स्टेप होता है कुछ फोन नंबर्स को तलाशना, जिसके लिए ये फोन डायरेक्टरी की मदद लेते हैं। उसके बाद ये कुछ मोबाइल नंबर्स को चुनते हैं और उन मोबाइल नंबर से सभी बैंक वेबसाइट में लॉग इन करने की कोशिश करते हैं। लॉग इन करने के वक्त अगर कोई भी मोबाइल नंबर ओटीपी मांगता है तो समझ लीजिए उन्हें उनका शिकार मिल गया। उसके बाद ये सबसे पहले अपने टारगेट को एक मैसेज भेजते हैं, और ये एक वार्निंग मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है कि अब नॉर्मल सिम के बदले ई सिम अनिवार्य रूप से लगाया जा रहा है, और इसके लिए उन्हें केवाईसी करवाने की जरूरत है, नहीं तो आपका नॉर्मल सिम कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा। मैसेज भेजने के कुछ मिनटों बाद ये जो चोर होते हैं, ये कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर अपने टारगेट को फोन करते हैं और उनसे कस्टमर की बेसिक डिटेल्स ले लेते हैं। साथ ही कस्टमर से आग्रह करते हैं कि वो अपने नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को एक ईमेल भेज दे जिसमें लिखा हो कि उन्हें ई सिम एक्टिवेट करवाना है। इस प्रोसेस से आप समझ सकते हैं कि कस्टमर ने खुद ही अब ई सिम की डिमांड अपने नेटवर्क ऑपरेटर से कर दी है। जब कस्टमर के ई सिम की प्रोसेसिंग का काम पूरा हो जाता है, तब नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर को एक QR कोड ईमेल के जरिए भेजता है, और ये QR कोड साइबर क्रिमिनल्स किसी भी तरह से हासिल कर लेते हैं। जब ये क्रिमिनल्स उस QR कोड को हासिल कर लेते हैं, तब ये अपनी ई सिम वाले फोन पर आपका नंबर एक्टिवेट कर लेते हैं। अब इससे होता यह है कि आपका नंबर अब वो क्रिमिनल इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ ही दिन में आपका फिजिकल सिम कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है।
अब जब क्रिमिनल्स के पास आपका फ़ोन नंबर एक्टिवेट हो गया है, तब ये इस फ़ोन नंबर से जुड़े जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन्हें ये स्कैन कर लेते हैं, और इसके बाद जहां पर भी एटीएम पिन की ज़रूरत नहीं होती है वहां ये आपके मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी के द्वारा आपके बैंक अकाउंट को साफ करते चले जाते हैं। हाल ही में फरीदाबाद पुलिस ने 5 लोगों को ई सिम फिशिंग के मामले में अरेस्ट किया है, जिनमें से 4 जामतारा के हैं, और इन अपराधियों ने कबूला है कि उन्होंने अब तक 300 से ज्यादा बैंक अकाउंट को साफ किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस फ्रॉड से कैसे बचे। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके पास कोई भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का फोन आता है तो उन्हें अपनी कोई भी पर्सनल जानकारी या बैंक से जुड़ी जानकारी कभी ना दे। दूसरी सबसे अहम बात, अगर आपको मोबाइल नंबर या ईमेल चेंज करवाना हो तो आप स्वयं बैंक या मोबाइल स्टोर में जाकर इस काम को करवाएं, और इस काम में किसी पर भी भरोसा ना करें। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि अगर आपके पास कोई भी मैसेज आता है जिसमें कोई लिंक हो तो उस लिंक को कभी ना खोलें। तो दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को इस नए किस्म के फ्रॉड से बचाने के लिए जागरूक करें। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर, ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।